गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में मासूम छात्र प्रद्युम्न के मर्डर केस को लेकर आज बहस हुई। इसमें हत्यारोपी की जमानत याचिका को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के अनुसार हत्यारोपी को किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि हत्यारोपी को जमानत देने से देश को हिला देने वाले इस मर्डर केस की जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं सीबीआई ने भी आरोपी छात्र को आक्रामक और उत्तेजित तेवर वाला बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी छात्र की साइकोलॉजिकल रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया। इसमें साफ है कि आरोपी छात्र जुर्म के परिणामों से बखूबी वाकिफ था। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि एक बार आरोपी छात्र स्कूल में शराब पीकर भी आया था। देश को झकझोर कर रख देने वाले इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर केस में सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस की जांच को खारिज करते हुए सबूतों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बस कंडक्टर अशोक कुमार को क्लीन चिट भी मिली थी। अशोक कुमार को गुरुग्राम पुलिस ने मर्डर और यौन उत्पीड़न के आरोप में अरेस्ट किया था। अशोक को सीबीआई ने क्लीन चिट दी और जुवेनाइल को अरेस्ट कराया। 16 वर्षीय आरोपी छात्र हाई स्कूल का छात्र है और उसके पिता ने एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए दावा किया था कि उनका बेटा मासूम है और वे पुलिस को जांच में शुरुआती दिन से ही सहयोग कर रहे हैं। उनका यह दावा भी है कि उनका बेटा निर्दोष है। बताते चलें कि प्रद्युम्न ठाकुर दूसरी कक्षा का छात्र था और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शव 8 सितंबर को स्कूल के बाथरूम में मिला था। उम्मीद है ये जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले। We'll be right back.